Subscribe to Web Institute and get the international education about computers and technical science. हेलो स्टूडेंट्स, ये पीएचपी का चैप्टर 5 है जिसमें हमें यूजर से इनपुट लेनी सीखनी है। यूजर से इनपुट लेने का मतलब है यूजर से किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना। वेबसाइट यानी कि वेब एप्लीकेशन के शब्दों में यूजर से इनपुट लेने के लिए एचटीएमएल फॉर्म का उपयोग किया जाता है। बाकी कोई भी मेथड नहीं है जिससे आप यूजर के किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि यूजर की क्या ईमेल आईडी है, ये मैं यूजर से प्राप्त करूं, तो उसके लिए मैं फॉर्म को क्रिएट करूंगा। आप एक काम कीजिए, एचटीएमएल का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट करके ही कोडिंग कीजिए और इसमें फॉर्म को शुरू करके बंद कर दीजिए। ईमेल के लिए इनपुट फील्ड क्रिएट करूंगा, टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू ईमेल रखूंगा, नेम डिफाइन कर दूंगा ईमेल। मैंने नेम क्यों डिफाइन किया है ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर आपने हमारे HTML के ट्यूटोरियल को देखा है तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अब सिंपली एक सबमिट बटन क्रिएट करता हूँ, टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू सबमिट रखूँगा, वैल्यू एट्रीब्यूट के जरिए यहाँ पे टेक्स्ट राइट करता हूँ सेंड। ओके, PHP से रिलेटेड वर्क करनी है कहाँ सेव करनी होंगी आपको, सर्वर में www फोल्डर के अंदर। मैं काम करता हूँ इसे form.php के नाम से सेव करता हूँ। रन करने के लिए क्या करूँगा, मैनुअली ब्राउजर को ओपन करूँगा, फिर वेब सर्वर के DNS को राइट करके फाइल का नाम दूंगा, फिर उसकी एक्सटेंशन कोड राइट कर दूंगा। इस तरह का यूजर इंटरफेस क्रिएट हो गया। मैं चाहता हूँ कि यूजर अगर कोई मेल आईडी टाइप करके सेंड करे तो मैं एग्जामिन करूँ कि यूजर ने कौन सी मेल आईडी को टाइप किया था। तो ये कैसे होगा PHP में जरा जानते हैं। सबसे पहले यूजर के डेटाओं की सिक्योरिटी पे बात करते हैं। ये यूजर का डेटा है, यूजर इसे सेंड करेगा, तो आप देखो यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो URL के माध्यम से आपके वेब सर्वर तक पहुँचेंगी। लेकिन ये जो यूजर का डेटा है ये अगर एड्रेस बार में दिख रहा है तो ये सेफ नहीं माना जाएगा, इसको आपको सिक्योर करना होगा। क्योंकि जब भी यूजर के डेटाओं को हैक करने की कोडिंग इंसर्ट की जाती है तो वो कोड डायरेक्ट आपके ब्राउजर के इस URL को पढ़ने का कोशिश करती है, और अगर इस URL में ही यूजर की पूरी इन्फॉर्मेशन है तो इसका मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा यूजर के डेटाओं को हैक करने के लिए। ओके, तो यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फॉर्म के माध्यम से तो यूजर नेम पासवर्ड भी ली जाती है, हो सकता है बैंक का यूजर नेम पासवर्ड हो, तो उस केस में यहाँ अगर वो डेटा डिस्प्ले होगा तो वो काफ़ी हद तक सिक्योर्ड नहीं हो सकता है। आसानी से उस डेटा की इन्फॉर्मेशन किसी भी हैकर्स के द्वारा निकाला जा सकता है। मैं चाहता हूँ यूजर का जो डेटा है जो सेंड करने के बाद वेब सर्वर तक पहुँचेंगी URL के माध्यम से, उसे मैं सिक्योर्ड करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जरा आप ध्यान से देखिए। जब भी कोई डेटा सेंड की जाती है तो सेंड दो माध्यम से होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो माध्यम इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं गेट। गेट माध्यम के कारण ही आपके URL में यूजर के डेटा दिखाई देती है, और दूसरा माध्यम है पोस्ट। तो डिफ़ॉल्ट को अगर आप चेंज कर दो, यानी कि डिफ़ॉल्ट क्या है माध्यम सेंड करने का, गेट, अगर आप उसे पोस्ट में कन्वर्ट कर दो तो इसकी सिक्योरिटी हो जाएंगी और ये URL में डिस्प्ले नहीं होगा, साइलेंटली वेब सर्वर तक पहुँच जाएगा। कैसे करनी है जरा आप ध्यान से देखिए। यूजर के डेटाओं को सिक्योरिटी देने के लिए आप फॉर्म में मेथड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, वैल्यू डिफाइन करेंगे पोस्ट। अब जरा आप ध्यान से देखिए, मैं इस पेज को रीलोड कर रहा हूँ और फिर यूजर की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करूँगा। मैंने यूजर की मेल आईडी टाइप की, सेंड करूँगा, साइलेंटली वेब सर्वर तक डेटा भी पहुँच गया और URL में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई। ओके, आप इसकी जगह गेट लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बिहेवियर पहले की तरह था, यानी कि डेटा यहाँ डिस्प्ले करने वाला, उसी प्रकार के बिहेवियर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट गेट रहती है, आप उसे पोस्ट में रखो ताकि यूजर के डेटा की सिक्योरिटी हो सके। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये सेंड हो
तो सेंड होने के बाद यूजर को कोई कन्फर्मेशन मिले कि आपका डेटा हमारे वेब सर्वर तक पहुंच चुका है, तो ये कन्फर्मेशन आप कैसे दोगे? सिंपली आपको एक नया पेज बनाना होगा। इस पेज में आप HTML के डॉक्यूमेंटेशन राइट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से, और यहाँ डिफाइन कर दीजिए जो नोटिस आप देना चाहते हैं वो, जिस माध्यम से देना चाहते हैं। मैं बेसिक माध्यम का उपयोग कर रहा हूँ। यहाँ राइट करता हूँ वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर डेटा। ओके, अब मैं काम करता हूँ, इसे सेव करूँगा वहीं पे जहाँ पे फॉर्म वाला फाइल सेव्ड है। जैसे मैंने इसे आउटपुट के नाम से सेव किया, एक्सटेंशन कोड PHP रखूँगा। अब आपको डिफाइन करना होगा कि जब सबमिट हो तो ये वाला पेज ओपन हो जाए। ओके, क्योंकि जब तक ये पेज ओपन नहीं होंगी यूजर को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी कि उनका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। तो सबमिट होने के बाद जिस पेज से आपको आउटपुट देनी है उस पेज के बारे में डिफाइन करने के लिए आप फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे और यहाँ पर पेज का नाम डिफाइन करोगे। पेज का नाम क्या है? output.php। ओके, तो ये पेज कब ओपन होगा? जब यूजर का डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा सर्वर पे तब। अब आप ध्यान से देखो, मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ईमेल आईडी राइट किया, सेंड पे क्लिक करता हूँ, आ गया मैसेज परफेक्ट। मुझे इस पेज में यहाँ पे प्रिंट करनी है यूजर ने जो मेल आईडी टाइप किया होगा प्रीवियस पेज में वो। तो ये कैसे होगा जरा आप ध्यान से देखिए। आप चाहिए output.php में, इसमें आप PHP के कोड को शुरू करके इस तरह से बंद कर दीजिए। प्रिंट करने के लिए एको स्टेटमेंट का यूज कीजिए। अब आपको सोचना होगा कि यूजर ने जो इस इनपुट फील्ड में डेटा राइट किया है उस डेटा को मैं कैसे दूसरे पेज में प्रोसेस कर सकता हूँ। जब भी यूजर सबमिट पर क्लिक करता है तो इसका मतलब पोस्ट मेथड ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे आपको PHP के माध्यम से एक प्री डिफाइंड कॉन्टेंट मिलता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। आप ध्यान दीजिए, $_ और कैपिटल लेटर में कोई भी चीज़ लिखा हो और बिग ब्रैकेट के चित्र हो तो इसका मतलब वो कहलाएंगी PHP ग्लोबल वेरिएबल्स। इनका उपयोग तब करते हैं जब हम प्री डिफाइंड चीज़ों से कुछ करना चाहते हैं तब। ग्लोबल वेरिएबल्स कई प्रकार के होते हैं और ये इसी तरह लिखे होते हैं, $_ कैपिटल लेटर में जो लिखा होगा वो और बिग ब्रैकेट, आप इसे पहचान जाना। सभी ग्लोबल वेरिएबल का अलग अलग काम है और सभी कामों के लिए ग्लोबल वेरिएबल अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? यूजर ने जो डेटा पोस्ट किया है वो चाहिए। तो यूजर का पोस्ट किया गया डेटा प्राप्त करने के लिए आप $_post ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे। कौन से इनपुट फील्ड का डेटा आपको चाहिए इस इनपुट फील्ड का? तो इसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या डिफाइंड है? ईमेल। आप यहाँ पे उसी प्रकार से सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर ईमेल राइट कर दो। क्या मतलब है इसका? PHP से वो डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा जिसे पोस्ट के माध्यम से सबमिट किया गया है। ओके, और जिनके नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू ईमेल है। तो यहाँ पे आप देखो, पोस्ट के माध्यम से डेटा सबमिट हुआ है और नेम एट्रीब्यूट की ईमेल किसकी है? इस इनपुट फील्ड की। यानी यहाँ पे यूजर का ईमेल आईडी प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट कैसे होगा? क्योंकि इसके पहले मैंने एको स्टेटमेंट का यूज किया है। अगर यहाँ पे मेथड गेट होती तो यहाँ पे आप ग्लोबल वेरिएबल गेट का इस्तेमाल करते। मैं सेव करके रन करता हूँ, आप जरा ध्यान से देखो। मैंने ईमेल आईडी टाइप किया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, परफेक्ट प्रिंट हो गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कंप्लीट एजुकेशन लेने के लिए आप हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पर जाइए या डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए या कमेंट बॉक्स में राइट करें। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब टू वेब इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस।